यहाँ पर इतना रश वश हो रहा है, कवाली नाइट चल रही है भाई तबे वहाँ पर, तो ये सीन चल रहे हैं भाई यहाँ पर, बहुत रश हो रहा है भाई ये। और ये रश के कमर ठीक है, और मतलब यार वो हुआ करती थी कवालिया ये, और अमजद साबरी की इसे कहते थे कवाली, ऊपर तो गाने चल रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, जैसे स्टार्ट करें वंस अगेन यार, आज मैं जिम दिल्ली क्यों आया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे जाना है यूनिवर्सिटी क्योंकि 6 बजे आज मेरी क्लास है जो कि साइकोलॉजी की होती है, तो यार अब जल्दी से वर्कआउट करते हैं फिर चलते हैं यार यूनिवर्सिटी की तरफ। आज पहले वार्म अप करेंगे उसके बाद फिर हेवी वेट पे जाएंगे, आज बहुत बेसिक वर्कआउट करूँगा क्योंकि यार मुझे जाना भी है। तो भाई इसके ऊपर वेट हम लेंगे 24 kg इससे लगाएंगे। अच्छा तो भाई इसके 3 सेट कंप्लीट हो गए मेरे, अब आपका भाई करेगा एक्सटेंशन मशीन के ऊपर रोप ठीक है, उसके बाद फिर साइड डंपल, उसके बाद फिर बाइसेप और ट्राइसेप करूंगा, उसके बाद बस क्योंकि यार लेट वैसे ही बहुत हो गया। साइड डंपल भी आपके भाई के तकरीबन हो ही गए, और अब ये फ्रंट चेन करेगा आपका भाई, उसके बाद फिर सोच रहा हूँ कि थोड़ा ट्राइसेप कर लूँ क्योंकि ट्राइसेप करने का बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि आपको पता है वैसे ट्राइसेप आपके भाई के बहुत मोस्ट फेवरेट मसल है। ये स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी वर्कआउट करना है यार आज। स्ट्रेट बार और ये इसके अंदर अभी लगाएगा आपको भाई, और ये आ गया। अब वेट थोड़ा सा इसमें लेंगे 24 kg नॉर्मल वेट लेंगे, ज़्यादा हीवी वेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो सेट की जो रेपिटेशन है वो आउट हो जाती है। अच्छा तो ऑलमोस्ट जो ये ट्राइसेप स्ट्रेट बार है ये आपके भाई की कंप्लीट हो गई है, तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बाइसेप करूँ, लेकिन नहीं बाइसेप करूँगा कल, अभी साइड डंपल करूँगा ट्राइसेप के, उसके बाद फिर कलाई, उसके बाद डेड सेट, फिर बाद फिर यार क्लास के लिए भी निकल है क्योंकि यार 6 तो बज गए, आधे घंटे के अंदर मुझे पहुँचना, पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा नहीं क्योंकि टीचर तो यार वैसे ही आपको पता है फीमेल टीचर है, तो वैसे ही क्लास से बाहर निकाल देगी, तो अब जल्दी जल्दी वर्कआउट करते हैं यार। तो भाई तुम्हारे भाई का जो टोटल वर्कआउट है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो फिर अब अजान का टाइम हो रहा है यार, अजान का एहतराम करना चाहिए, तो बस ये है कि यार अब घर की तरफ निकलते हैं, उसके बाद रेडी शेडी होकर सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ निकलते हैं, फिर नमाज पढ़ के जल्दी से रेडी होकर निकलते हैं मुसल्ला। अरे यार ये तो टेढ़ा हो गया, उसको जल्दी से बिछाते हैं, अब इसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। अभी अभी पहुँचा हूँ यूनिवर्सिटी में, सर्दी हो गई यार कराची में, जो बात है बाय द वे वो री आई यू, और बस अब क्लास में चलते हैं क्योंकि यार वैसे ही लेट हो गया, आई थिंक मैं फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा तो सेकंड सेक्शन में जाऊँगा, तो अब फरहान का वेट कर रहा हूँ, फरहान आ रहा है तो फिर अब चलते हैं क्लास में। यहाँ लगाते हैं कार्ड और अब चलते हैं अंदर, और यहाँ से होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरी जो क्लास है वो है रूम नंबर 203 जो कि ये रहा, बस यार अभी थोड़ी देर में अंदर चलते हैं, फरहान आ जाए बस उसी का वेट कर रहा हूँ यार अभी। यार ये कैफेटेरिया है, देखो आज कैफेटेरिया में कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है यार, कितना ठंडा हो रहा है, मैं बताता हूँ क्यों ठंडा हो रहा है। ऊपर हो रही है कवाली नाइट ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पर हैं 3rd floor पे, तो इसी वजह से ये ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये सीन है भाई। अभी अभी फरहान से मेरी बात हुई है, तो फरहान तो हो जाएगा थोड़ा लेट, तो अब मैं क्लास में जाने लगा हूँ, अब बाय द वे मुझे नहीं पता कि टीचर का क्या रिएक्शन होगा, ये वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ, तो अब क्लास के अंदर चलते हैं। अच्छा अच्छा तो भाई अभी ये क्लास में आपका भाई आ गया है, और टीचर ने अभी अटेंडेंस वगैरह नहीं ली है, वो नेक्स्ट सेशन में होगी, तो अभी टीचर ने कुछ भी नहीं बोला, टीचर अपना पढ़ाने में मसरूफ़ था, तो मैं चुपचाप वाले गेट से अंदर आ गया और आके चुपचाप यहाँ बैठ गया। तो आज क्लास टीचर कह रही है कि आज क्लास जल्दी ऑफ हो जाएगी क्योंकि आज कवाली नाइट है आई थिंक, ऊपर आपको पता है यार, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था, ना मेरे दोस्तों को जाने का मूड था कवाली नाइट में, क्योंकि बहुत ये चीज़ें अटैम्प कर ली, अब बस यार बस हो गया, तो अभी क्लास के ये सीन चल रहे हैं बाय द वे, और बस अभी थोड़ी देर में कुछ खाने चलेंगे यार, भूख लग रही है। अभी जो बच्चों को स्लाइड टीचर ने पढ़ाई है वो ये ऑब्जर्वेशन की पढ़ाई है, तो अभी ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक के आने के बाद ही ये कंप्लीट होगी स्लाइड, तो वैसे भी आज जल्दी क्लास ऑफ हो जाएगी यार, अच्छा है जल्दी ऑफ हो जाए। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यार कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे यार, क्योंकि हाँ यार अभी टीचर ने ब्रेक दिया हुआ, तो क्लास में बैठे बैठे मेरी बोर हो गया था, यहाँ से आ जाए, यहाँ से चलते सीधा ना यहाँ से। यार यहाँ पर वॉल लगी हुई थी बाय द वे, उन्होंने हटा दी और यहाँ पर पैनाफ्लेक्स लगा दिया है, ये सारी चीज़ें देखो, और बाकी जो आर्ट्स जो गेडली हुआ करती थी वो इसको यहाँ पर ले गए ये लोग, तो ये सीन है भाई। अभी नीचे जा रहे हैं चक्कर लगाने, तो उसके बाद फिर जब क्लास की कॉल होगी तो फिर क्लास में जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्लाइड समझेंगे, उसके बाद फिर पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर पेपर देंगे, उसके बाद फिर पास होंगे, यही चल रहा है यार। अभी चक्कर शक्कर हम लोग ने लगा लिया है यूनिवर्सिटी, अभी नीचे वाला जो फ्लोर है वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, तो अब हम वापसी जाने लगे क्लास के अंदर क्योंकि क्लास का जो ब्रेक टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो यार अब चलते हैं क्लास के अंदर, आ जाओ।
भाई यहाँ पर इतना रश वश हो रहा है, कवाली नाइट चल रही है भाई तबे वहाँ पर, तो ये सीन चल रहे हैं भाई यहाँ पर, बहुत रश हो रहा है भाई ये। और ये एक हमारा दोस्त मिल गया ताहिर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह, अबे कहाँ से एंजॉय कर रहा है, अबे क्या हो गया? नहीं यार, मूड नहीं है, सीरियसली नहीं यार। तू ज्वाइन किया तूने? अच्छा अच्छा, चलो यार, और बेस्ट ऑफ लक, इंजॉय करो तुम। यार लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ रही है नीचे, और ये लिफ्ट आ गई। रूफ टॉप चलते हैं, खुल जा, सिम सिम प्रेस करते हैं 11, और अब चलते हैं ऊपर। अच्छा भाई, काफ़ी टाइम बाद आपका भाई रूफ टॉप पे आया है इकरा यूनिवर्सिटी के। बाय द वे व्यू देखो यार, सारे छोटे छोटे लाइटें नज़र आ रही हैं, सारे घर हैं। तो भाई सर्दी बढ़ गई है यार, टाइट सर्दी हो रही है ऊपर। बाय द वे नीचे कवाली की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो ये सीन है भाई रूफ टॉप के, भाई बहुत अच्छा व्यू है। देखो यार वापसी देखो, छोटे छोटे ये सारी जो आपको लाइट दिख रही हैं, ये सारे घर हैं, और नीचे कवाली नाइट चल रही है। इसे लिफ्ट बुलाता है आपका भाई, क्योंकि ऊपर तो वैसे ठंड हो रही है, अभी ज़ीरो पे है, तो अभी ऊपर आ जाएगी लिफ्ट, तो फिर नीचे चलेंगे वापस। ये आ गई है लिफ्ट, गुलजा सिम सिम, चलो भाई ज़ीरो प्रेस करेंगे। अच्छा भाई, ये कोई कवाल है, ये आए हुए अली अब्बास करके कुछ, आई थिंक, मैं तो खैर इनको नहीं जानता, तो ये आए हुए भाई ऊपर अभी। हमजा पहले मुझे एक बात बता, ये ऊपर कवाली चल रही है या कॉन्सर्ट चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। अबे गाने चल रहे हैं भाई, कवाली को एक भी मैंने, यकीन करो कवाली आई नहीं है अभी। वो क्या कहते हैं अपना हमका ओएसटी चला रहा है भाई, तेरा मेरा है प्यार अमर। अबे ये कवाली क्या है यार, मतलब यार कवाली हुआ करती थी नुसरत फतेह अली खान की, रश्के कमर, ठीक है, और मतलब यार वो हुआ करती थी कवाली है ये, और अमजद साबरी की, इसे कहते थे कवाली। ऊपर तो गाने चल रहे हैं यार, बात तो सही है। अच्छा भाई, तो आपके भाई को भूख शूख लग रही थी, तो आपका भाई आ गया है दाता बिरयानी बारबेक्यू, जो कि इनके मशहूर रोल है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सीन दिखाए थे, यहाँ के जो रोल होते हैं लेवल किस्म के होते हैं, तो अभी यहाँ के रोल खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। लास्ट टाइम तो ये भाई थे पराठे वाले, आज ये भाई पराठे बना रहे हैं, तो ये सीन चल रहे हैं भाई पराठे के। और वायदा में जो रोल वगैरह के जो कबाब हैं वो वहाँ पर है, बारबेक्यू वहाँ चल रहा है, ठीक है भाई। अभी यार ज़रा लेवल के दो रोल लगा दो। अच्छा तो भाई ऑर्डर शॉर्डर आप लोग के भाई ने दे दिया है, बाय द वे यहाँ पर आज रश चल रहा है, तो एक रोल मंगाया है जिनकी बिरयानी भी ट्राई करूँगा। बाय द वे हमजा ने, हमजा क्या क्या मंगाया तुमने? यार दो रोल मंगवाए मैंने बस। अच्छा, हमजा ने मलाई बोटी रोल मंगाए और एक चिकन चटनी रोल, कबाब रोल मंगाया, ठीक है भाई। तो अब वेट करते हैं, क्योंकि आज ज़रा रश चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे भाई से बात होती है, वो कह रहे हैं यार थोड़ा वेट करो, उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर में ऑर्डर आएगा मिलना। चलो ठीक है, सबर का वाल मीठा होता है, तो हम थोड़ा सबर कर लेते हैं। तो भाई ये ऑर्डर हमारा आ गया है, ये रोल आ गए हैं, और ये चिकन है, ये बाकी दो रोल हमजा के हैं, और ये बिरयानी है। तो भाई अब खाना शाना खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है यार। यार इनकी बिरयानी जरा मैं ट्राई करने लगा हूँ, अब जरा ट्राई करते हैं, पहला बाइट लेते हैं। यार लेवल तो कम दिया, मजेदार खाना दाता पे हम लोग ने खा लिया, रोल वगैरह खा लिया, अच्छे सीन थे और बड़ा मजा आया। रोल वगैरह तो इनके मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए उतने कम है, बाय द वे सर्विंग ने की थी यार, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ठीक है भाई। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अल्लाह हाफिज़।